बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लॉकडाउन के हिसाब से आपको सुपर फास्ट इजी पकने वाला चिकन विद ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी। चलिए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने तकरीबन 1000 ग्राम जो है 1 किलो चिकन ले लिया है। 1/2 कप ऑयल के अंदर ये 2 मीडियम प्याज हैं, मोटा मोटा काट के उसको हमने डाल लिया है। ये मोटा मोटा कटा हुआ है, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम बाकी भी चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं। ये 4 मीडियम टमाटर हैं, मोटे मोटे कटे हुए, इनको डाल लेंगे। ये 4-5 लहसुन की तुरियां, अदरक थोड़ा सा और 3 हरी मिर्चें हैं, 2 बारीक और 1 मोटी, ये भी डाल देंगे और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये सारी जो हमने चीज़ें वेजिटेबल्स डाली हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इनकी खुशबू आने लगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद सब सब्जियां ढीली हो गई हैं। ये देखिए, ये छिलका भी अलग हो गया है। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा मसाला जो है ये फ्राई हो चुका था, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा जो खड़ा मसाला था ये हमने ग्राइंड कर लिया है। जहाँ से हमने मसाला निकाला था उसी ऑयल के अंदर हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून खड़े मसाले डाल देंगे। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही सॉल्ट। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब हमारे मसाले जल ना जाए इसके अंदर हमने जो ग्राइंड किया है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हमने ग्राइंड किए हैं ये मसाले कच्चे नहीं हैं, हमने इनको पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे। इसको आपने तेज़ आग के ऊपर भूनना है ताकि मसाले जो हमने ग्राइंड किए इसमें अगर कोई पानी है और चिकन अपना जो पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए। सब कुछ खुश्क हो जाए और ऑयल जिस तरह ये साइडों पे आ रहा है ये अच्छा सा ऑयल साइडों पे आ जाए। ये देखिए, हमारा बेहतरीन सा ग्रेवी वाला चिकन कढ़ाई गोश्त तैयार है।